हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। मुझे आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से एक JPG PNG टू WebP कन्वर्टर वेबसाइट को अपने ब्लॉगर वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। सबसे पहले आप इस स्क्रिप्ट को वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे दो अलग अलग स्टाइल में डिज़ाइन किया है। आप किसी भी स्टाइल में इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। आप इस तरह की वेबसाइट बनाकर इसमें गूगल एडसेंस की एडवर्टाइजमेंट लगाकर काफ़ी मनी अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आप blogger.com वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। अब आपको थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडिट HTML पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो पहले से कोड दिया होगा आप उस कोड को यहाँ से रिमूव कर देना है। सारे कोड को रिमूव कर देना है और जो आपने कोड डाउनलोड किया था वहाँ ब्लैंक template.txt फाइल को ओपन कर लेना है। वहाँ से सारे कोड को कॉपी कर लेना है। अब इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करके इसको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। अब आपको लेआउट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एड गैजेट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अब HTML JavaScript पर क्लिक करना है। अब जो आपने कोड डाउनलोड किया था वहाँ पे दो फाइलें, एक इमेज और दूसरी image1। आप इन दोनों में से कोई भी फाइल को ओपन करके यहाँ से कोड को कॉपी कर लीजिए। ये अलग अलग डिज़ाइन में कोड दिए गए हैं। आप किसी भी डिज़ाइन के कोड को कॉपी कर लीजिए। इमेज और image1 में से कोई भी एक का कोड को कॉपी कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करके इसे सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अब आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि ये परफेक्टली वर्क कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है तो ये डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल में भी परफेक्टली वर्क करेगी। मैंने यहाँ पर प्राइवेसी पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सारे पेज लगाए क्योंकि अगर हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए होता है तो ये पेज हमारी वेबसाइट में होना ज़रूरी होते हैं। इसलिए ये वेबसाइट मैंने पहले से यहाँ पर ऐड किए हुए। आप इन पेज को एडिट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कोई इमेज सेलेक्ट करके बताता हूँ। आप यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करके बताता हूँ तो ये हमारी इमेज है, ये WebP में कन्वर्ट हो गया। अब हम जैसे ही किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी WebP फॉर्मेट में। यहाँ पर एक ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है। आप कहीं से भी इमेजेस को यहाँ पर ड्रैग या ड्रॉप करके भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस है। मैं इसे यहाँ से ड्रैग करता हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो आप देख रहे हो कि परफेक्टली वर्क कर रही है और इमेज हमारी वेबसाइट में इंसर्ट हो रही है। ये जो इमेजेस है ये JPG फॉर्मेट में है, हम इन्हें WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही आप इन इमेज पे क्लिक करोगे तो ये WebP फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि इमेज आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हो तो ये WebP फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी वेबसाइट है ये परफेक्टली वर्क कर रही है। आप भी इस तरह की वेबसाइट ईजिली 5 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना ये है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप इसे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में कोड को इंसर्ट कर दीजिए तो आपकी वेबसाइट 5 मिनट में परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगी। और आप इस तरह की वेबसाइट को वेब होस्टिंग में भी
तैयार कर सकते हो। आपको करना है कि जो आपको मैंने स्क्रिप्ट दिया, आपको इस सारे कोड को अपनी वेब होस्टिंग में अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद ये आपकी जो स्क्रिप्ट है ये वेब होस्टिंग में भी परफेक्टली वर्क करेगी। ये जो आपकी स्क्रिप्ट है ये ब्लॉगर और वेब होस्टिंग दोनों में परफेक्टली वर्क करेगी।